आज मैं यहाँ पंजाब के स्टीविया नर्सरी में हूँ, जिसे एग्री नेचुरल इंडिया ने CSIR IHBT पालमपुर, जो भारत सरकार का संस्थान है, के सहयोग से बड़े स्तर पर तैयार किया है। स्टीविया एक बहुत ही लोकप्रिय कम कैलोरी वाला प्राकृतिक स्वीटनर है। स्टीविया की सूखी पत्तियाँ गन्ने की चीनी की तुलना में 20 से 30 गुना अधिक मीठी होती हैं और स्टीविया का अर्क चीनी की तुलना में 200 से 300 गुना अधिक मीठा होता है। साथ ही इसके कुछ औषधीय गुण भी हैं। यह शर्करा के स्तर, रक्तचाप आदि को नियंत्रित करने में सहायक है। यह मधुमेह के रोगियों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए बहुत ही सुरक्षित और उपयोगी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एग्री नेचुरल इंडिया उत्तरी भारत में पूर्ण स्टीविया मूल्य श्रृंखला के विकास में शामिल है और बहुत जल्द ही अपने कुछ स्टीविया उत्पादों को लॉन्च करने जा रहा है, यानी स्टीविया ड्राई लीव्स, स्टीविया व्हाइट पाउडर, स्टीविया ग्रीन शुगर, स्टीविया ड्रॉप्स और कई किस्म के स्टीविया CTC हर्बल और ग्रीन टी। आज स्टीविया चीनी के बाजार का सबसे आगे का धावक है। स्टीविया एक सुरक्षित और स्वस्थ चीनी विकल्प है। कृत्रिम चीनी से जुड़े नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बिना खाद्य पदार्थों को मीठा कर सकता है। बाजार में उपलब्ध अन्य कृत्रिम मिठास पूरी तरह से असुरक्षित हैं और इसके बहुत से दुष्प्रभाव हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 2015 में भारत में 7 करोड़ लोग मधुमेह रोग से ग्रस्त थे और एक अनुमान के अनुसार 2030 तक 10 करोड़ लोग मधुमेह से ग्रस्त हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टीविया मधुमेह वाले लोगों के लिए सुरक्षित है और चीनी के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस मांग को पूरा करने के लिए भारत में स्टीविया की खेती बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है। जैसा कि अब स्टीविया की खेती समय की मांग बन गई है और यह देश के किसानों के लिए अपनी आय बढ़ाने के लिए लाभदायक है, यद्यपि स्टीविया की खेती थोड़ी तकनीकी है पर फिर भी आसान है। यह वास्तव में किसानों की आय को दोगुना करने और अन्य पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक मुनाफे का सौदा है। एक स्टीविया का पौधा 4 से 5 साल तक चलता है। पौधा रोपण के लगभग 3 महीने के बाद उपज देने लगता है और बाद की कटाई 90 दिन के अंतराल पर की जाती है। स्टीविया की 3 से 4 कटाई मुख्य रूप से 1 वर्ष में की जाती है और स्टीविया की प्रत्येक फसल पिछली फसल की तुलना में ज़्यादा होती है। चूंकि स्टीविया प्रमुख कीट और रोगों के लिए काफ़ी प्रतिरोधी है, इसलिए किसी भी कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। केवल वर्मी कंपोस्ट, सूखी खेत की खाद और गाय भैंस के गोबर का उपयोग किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, सिंचाई के लिए स्टीविया को बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए अन्य पारंपरिक फसलों की तुलना में थोड़ी अधिक और नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। किसान के लिए भी अच्छी खबर है कि पशु और पक्षी स्टीविया को पसंद नहीं करते हैं, ना ही इसको खाते हैं। स्टीविया की मांग को देखते हुए हमें बड़े पैमाने पर स्टीविया की खेती करने की आवश्यकता है और इसके लिए विश्वसनीय और अनुभवी कंपनी और संस्थान की ज़रूरत है, जो किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री और तकनीकी सहायता प्रदान कर सके और किसानों से उचित मूल्य पर स्टीविया की सूखी पत्तियां खरीद सके, जिसके लिए एग्री नेचुरल इंडिया और CSIR ISBT पालमपुर हमेशा तैयार है। एग्री नेचुरल इंडिया व्यापारियों, उद्यमियों, किसानों, वैज्ञानिकों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और IT पेशेवरों का एक समूह है। एग्री नेचुरल इंडिया ने अक्टूबर 2015 में लुधियाना, पंजाब में
3000 वर्ग मीटर लगभग आधा एकड़ से अधिक पर परीक्षण के आधार पर स्टीविया की खेती शुरू की। डॉक्टर परमवीर सिंह आहूजा हमारे प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत रहे हैं। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें प्रेरित किया और स्टीविया की खेती के संदर्भ में हमें सही रास्ता दिखाया। पहले खेत के परीक्षण के सफल होने के बाद एग्री नेचुरल इंडिया ने CSIR IHBT पालमपुर, जो कि एक भारत सरकार की संस्था है, के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार स्टीविया की नर्सरी फरवरी 2016 में स्थापित की। डॉक्टर संजय कुमार डायरेक्टर CSIR IHBT पालमपुर से हैं, जो कि एक प्रतिभावान और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति हैं, जिन्होंने एग्री नेचुरल इंडिया को पूरे भारत में स्टीविया को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हमेशा इस कार्य को आगे बढ़ाने में तत्पर रहते हैं। एग्री नेचुरल इंडिया ने अपनी पहली स्टीविया नर्सरी की शुरुआत 2016 में 2000 वर्ग मीटर में की, जो कि डॉक्टर प्रबीर पाल तथा डॉक्टर सन्नत सुजात की मदद से की गई, जो अब CSIR IHBT के सहयोग से बढ़कर 20 एकड़ तक हो गई है। इसका विस्तार 5 राज्यों तक हो गया है, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका तथा महाराष्ट्र राज्य। एग्री नेचुरल इंडिया खुद 25 एकड़ में स्टीविया की खेती कर रहा है। CSIR IHBT पालमपुर के सहयोग से स्टीविया की खेती 10 राज्यों में की जा रही है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। इन राज्यों में 250 एकड़ से ज़्यादा स्टीविया की खेती की जा रही है। एग्री नेचुरल इंडिया इन 10 राज्यों में स्टीविया के पौधे प्रदान कर रहा है और पैदावार भी खरीद रहा है। साल 2020 में एग्री नेचुरल इंडिया ने CSIR IHBT के साथ मिलकर 500 एकड़ में स्टीविया की खेती का लक्ष्य रखा है।